एक प्यारी सी छोटी सी बहन जो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हो और उनकी चिंता भी बहुत करती हो। अब ऐसी बहन तो नसीब वालों को ही मिलती है। अब ये बहन भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती है और इन तीनों को जब भी प्यास लगती है तो बेचारी अपने हाथों से पानी लेके आती है। बताओ, मिलती है ऐसी बहन कहीं आजकल? बिल्कुल नहीं। अब पांडा बेचारे इतने ज्यादा प्यारे होते हैं, एक एप्पल के बदले में अपना बेबी देने को भी तैयार हो जाते हैं बेचारे। मैडम के बाल ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से उनमें पूरा का पूरा रेनबो छुपा हुआ है। तो अगर आपने कभी मेट्रो में या किसी खाली ट्रेन में सफर किया हो तो आपने ऐसा नजारा जरूर देखा हो, और अगर नहीं देखा तो आज देख लो। ये रोबोट इस पिंग पोंग बॉल को अपने ऊपर बैलेंस कर लेता है, चाहे आप उस पिंग पोंग बॉल को किसी भी डायरेक्शन से इस पे फेंको। अब इस टेक्नोलॉजी से आप हवा में भी लिख सकते हैं। अब जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी दिक्कत आए। और ये वाकई इतना अच्छा है कि मैं ये बात दोबारा बोलना चाहूंगा कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हों तो उनमें मैंने आपको कुछ पक्षी दिखाए थे जो अपना हेड स्टेबलाइज कर सकते थे, यानी उनका सिर एक जगह फिक्स था और उनकी बॉडी मूव कर रही थी। बस ये भी उसी ही चीज का इंसानी वर्जन है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई कंप्यूटर ट्रिक है। अब ये डॉगी भाई साहब किसी के साथ भी सुर से सुर मिला के चल सकते हैं। वैसे आजकल लोगों के आलस ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया। वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि वो पट्टा जानवर के गले पर नहीं उसकी बॉडी पर बंधा हुआ था। आपने उंगली पर कॉपी घुमाते हुए तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी किसी को उंगली पर टीवी, सही कह रहा हूँ, टीवी घुमाते हुए देखा है? अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को देखकर कुछ भी समझ पा रहा हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मेरे दिमाग ने तो जवाब दे दिया।
अगर आप एक सच्चे इंसान और किसी मुसीबत में फंसे हुए हो तो आपके लिए मदद का हाथ दीवार तोड़ के आएगा और उसके बाद आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। पेरिस में एक दिन होता है जिसे बेस्टिल डे कहा जाता है। उस दिन रात को पेरिस का नजारा कुछ ऐसा हो जाता है। आलस आपकी जान भी ले सकता है। कुछ सालों पहले तक आपको ऐसा नजारा सिर्फ मार्वल्स की मूवी में ही देखने को मिला होगा और आज ये चीजें कॉमन होती जा रही हैं। मैं इस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन की बात कर रहा हूँ जो कि बीजिंग के एक मेट्रो स्टेशन पर लगी हुई है। सच बताना, एक पल को तो आपको भी पक्का लगा होगा कि ये सचमुच का भालू है ना? मुझे तो देखो यकीन नहीं है कि ये वीडियो असली है कि नकली। आप बताओ कमेंट से मुझे कि आपको क्या लगता है। यहाँ बिजली गिरी नहीं है, गिराई गई है। वो ऐसे कि इन लोगों ने कॉपर की तार को एक रॉकेट पे बांध दिया और जैसे ही वो रॉकेट एक ऊंचाई तक पहुंचा तो बिजली उस तार से पास हुई और ये आर्टिफिशियल लाइटनिंग हमें मिल गई। What is 1 trillion to the 10th power? 1 trillion raised to the 10th power is 100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 0
होगा। तो ये है वो एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की खास बात ये है कि इसे करने के बाद आपकी बैक बचेगी ही नहीं, तो दर्द कहाँ से होगा। तो यार इसी बेढंगी सी एक्सरसाइज के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, मुझे कमेंट से बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा है बुरा लगा जो कि मैं अगली बार इंप्रूव कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं यार अगली वीडियो में।